नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ये क्लासेज जो है कंटिन्यू कर रखी हैं आपके लिए, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल अगर आपको हमारे चैनल के थ्रू चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी ये पॉलिटी की चौथी क्लास है। इससे पहले हमने तीन क्लासेज जो हैं वो पढ़ रखी हैं अच्छे से। अभी अगर बात करें, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे संविधान सभा। संविधान सभा की हम बात कर रहे थे और संविधान सभा में हमने पढ़ा था कि कैसे नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, कैसे नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग करी गई थी। तो हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे दोस्तों, वो पढ़ रहे थे संविधान सभा, संविधान सभा। और संविधान सभा में हमने पढ़ा था कि अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई थी। इसे हम नेहरू रिपोर्ट को मैंने कहा था संविधान का मसौदा या संविधान का संक्षिप्त प्रारूप भी कह सकते हैं। और मैंने कहा था इस नेहरू रिपोर्ट में किसकी बात हुई थी, औपनिवेशिक स्वराज्य की बात हुई थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात की थी। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से मांग की थी कि हमें क्या दिया जाए, औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए, यानी भारतीय आंतरिक मामलों में हमें स्वतंत्रताएं दी जाएं ताकि भारत के आंतरिक मामलों में हम लोग निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। लेकिन इस मांग को अंग्रेज सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर सन 1929 को सभी लोगों ने स्वतः ही नेहरू रिपोर्ट को लागू माना, और ये घोषणा करी कि आज के बाद हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मैंने दोस्तों आपको कहा था कि 26 जनवरी को 1930 से ही हम कौन से दिवस के रूप में मनाते थे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। यही कारण है कि हमारा पूरा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 24 जनवरी को संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान को लागू नहीं किया गया। एक दिन का इंतजार करते हुए संविधान को कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जिन लोगों ने पहली बार इस क्लास को ज्वाइन किया है आज, हो सकता है कि उनको किसी तरीके की चीज़ समझने में, कोई भी टॉपिक जो है यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इससे पहले जो तीन वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तीन क्लासेस लाइव हम पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वो तीनों वीडियो अगर देख के, जीरो से जो हमने स्टार्ट किया है वो उसके बाद इस क्लास को देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन समझ आ जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई औपनिवेशिक स्वराज की। औपनिवेशिक स्वराज के संबंध में पहली बार मांग 1928 में की गई थी। अंग्रेज ने जब इसको नहीं माना तो 26 जनवरी 1930 को स्वतः ही क्या मान लिया, इसको लागू मान लिया। और ये लागू मानने घोषणा कब की गई थी, 31 दिसंबर 1929 को। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बाद। एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, आपको समझना है कि इस 1930 के बाद अंग्रेजी सरकार के सामने भारतीय जो लोग थे उन्होंने केवल एक ही चीज़ की मांग की थी, और वो मांग केवल कौन सी चीज़ की थी, पूर्ण स्वराज की। किसकी, पूर्ण स्वराज की। अंग्रेजों से यही कहा गया था कि हमें आपसे और कोई उम्मीद नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, हम आपसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। बात कब की कर रहा हूँ दोस्तों, 1929 की यहाँ बात हो रही है। 1929 के बाद आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं उन आंदोलनों का जिक्र कर देता हूँ जो 1915 से लेकर 1930 या 1940 के बीच में हुए हैं। हालांकि उन आंदोलनों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं थोड़ा सा संविधान सभा तक, संविधान सभा के गठन तक की बात करते हैं, चुनाव तक की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बाय डिटेल उन आंदोलनों के बारे में बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1930 के बाद, 1929 की बात करूँ, ये अंतिम दिन है 1929 का, यानी मैं कह सकता हूँ 1930 के बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा भी भारतीय
लोगों के जो प्रयास थे उनके संबंध में प्रयास किया गया, लेकिन उसका कारण था, उसका कारण क्या था, 1930 के बाद जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों ने अंग्रेज सरकार से किसी प्रकार का समझौता करने की सारी जो उम्मीदें थी वो छोड़ दी थी। किसी प्रकार का समझौता वो नहीं करना चाहते थे। भारत के लोग अंग्रेजों से केवल और केवल किसकी मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में एक बार आंदोलनों का जिक्र करता हूँ, कौन कौन से बीच में आंदोलन हुए हैं। देखिए, अगर मैं 1930 के आसपास की बात करूं तो 1930 के आसपास 1928 में मार्च 1928 में आपको पता होगा डांडी यात्रा हुई थी। डांडी यात्रा गांधी जी ने करी थी, नमक कानून तोड़ा गया था। डांडी यात्रा के माध्यम से क्या करा था गांधी जी ने, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को दिखाने के लिए था कि हम भारत के लोग क्या हैं, संगठित हैं, हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे, हम तभी मानेंगे, हम तभी आपकी कोई बात स्वीकार करेंगे जब आप क्या कर लेंगे, पूर्ण स्वराज को मान लेंगे। उसके बाद मैं आपको अगर दांडी यात्रा के बाद की बात करूं तो 1940 में एक महत्वपूर्ण जो आपका आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1940 के बाद की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर सकता हूँ। यानी ये जो आंदोलन थे, इन आंदोलनों के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा और अंग्रेजी सरकार ने पहली बार प्रयास किया भारत के लोगों की भावनाओं को समझने का। और पहली बार हुआ ये कि 8 अगस्त 1940 को। दोस्तों, एक बार मैंने इन आंदोलनों का जिक्र यूं ही संक्षिप्त रूप में किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि 1930 के बाद ही ये जो आंदोलन है वो हुए हैं, क्योंकि 1930 में भारतीय लोगों ने किसकी मांग कर दी थी, पूर्ण स्वराज की। उन्होंने कह दिया था कि अंग्रेज सरकार की कोई भी बात हम नहीं मानने वाले जब तक अंग्रेज सरकार हमें क्या नहीं देती, पूर्ण स्वराज नहीं देती। तो अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया, अंग्रेजों द्वारा कौन सा प्रयास किया गया वो भी हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में पहली बार अगर अंग्रेजों की तरफ से प्रयास की बात करूं दोस्तों, तो बात आती है सन 1940 की, 8 अगस्त 1940 की। 8 अगस्त 1940 को भारत के उस समय जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथ गो। 8 अगस्त 1940 को गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे लॉर्ड लिन लिथ गो। 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रस्ताव में बात करी गई थी, देखिए, अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी भारत के लोगों को संविधान सभा का गठन करने का अधिकार देने के संबंध में, सबसे बड़ी समस्या जो थी वो समस्या ये थी कि अगर किसी बात पे कांग्रेसी लोग जो हैं या कांग्रेस जो है वो सहमति जताती थी तो इसका विरोध कौन करता था, मुस्लिम लीग इसका विरोध करती थी, है ना, मुस्लिम लीग इसका विरोध करती थी। और अगर कहीं मुस्लिम लीग सहमत हो जाती तो उसका विरोध कौन करती थी, कांग्रेस करती थी। और इस दुविधा में अंग्रेजी सरकार फंसी हुई थी, तो अंग्रेजी सरकार को खुद भी उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्यों, इसका कारण था, कांग्रेस का मानना था, कांग्रेस मान रही थी कि संविधान सभा एक ही होनी चाहिए, संविधान सभा एक ही बने, संविधान सभा दूसरी नहीं होने चाहिए। लेकिन मुस्लिम जो लीग था उसका मानना था कि संविधान सभा दो होने चाहिए, दो पृथक पृथक संविधान सभा होनी चाहिए, पृथक पृथक संविधान सभा या अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए। मुस्लिम क्षेत्रों के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। और इसी के कारण इन दोनों संगठनों के बीच या दोनों के बीच कभी भी सहमति नहीं बनी। तो इसी मेन समस्या के कारण अंग्रेजों को बार बार दिक्कत हो रही थी कि भारत के संविधान का या भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे करवाया जाए, कैसे कांग्रेस को और मुस्लिम लीग दोनों को क्या लाया जाए, एक जगह लाया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी 1940 के प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सोचा कि देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे तो कहीं ना कहीं सहमति बन ही जाएगी, लेकिन अगर बात करें मुसलमानों की या मुस्लिम लोगों की बात करें तो इनके हित में कुछ बात करते हैं और इनके हित में अगर बात करी जाए, संभावना है कि कांग्रेस इन हितों को स्वीकार कर ले, और अगर कांग्रेस इन हितों को स्वीकार कर लेती है तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यानी इस प्रस्ताव में किसके हित की बात की गई थी, मुस्लिम के हितों की बात की गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा,
हालांकि ये माना जाता है कि भारतीय संविधान को पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था, भारतीय संविधान की मांग को, भारतीय संविधान की मांग को पहली बार अंग्रेजी सरकार ने 8 अगस्त 1940 को ही स्वीकार किया था, अगस्त प्रस्ताव को ही स्वीकार किया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधानों का जिक्र किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ एक बार फिर कांग्रेस के बीच और मुस्लिम समुदाय के बीच, या यूँ कह दूँ कि इन दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया और ये अगस्त प्रस्ताव कहीं ना कहीं क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद अगर बात करें, अब अंग्रेजों को, ये बात चल रही है दोस्तों 1940 की हम बात कर रहे हैं, और 1940-1949 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण था विश्व की राजनीति की दृष्टि से। कैसे महत्वपूर्ण था मैं आपको बता दे रहा हूँ। हुआ ये था कि आपको दोस्तों पता होगा इस बात का कि 1945 तक दुनिया में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई। इस घटना को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को उम्मीद थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 को हुआ था, 1914 से 1918। और 1914 से 1918 जो है, इसमें, इस युद्ध में ब्रिटेन का भारतीय लोगों ने क्या करा था, साथ दिया था। इसमें भारत ने क्या दिया था, साथ दिया था। किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें पहला जो युद्ध था, विश्व युद्ध था, प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं भारतीय लोगों का सहयोग मिला था। किसको मिला था, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में भी उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, भारतीय लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि ब्रिटेन चाहता था कि जितनी जल्दी भारत के इस मसले को हल कर दिया जाए, इस औपनिवेशिक मांग को या स्वराज की मांग को हल कर दिया जाए उतना बेहतर है, ताकि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या मिले, भारत का सहयोग मिले। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग मिले ब्रिटेन को, इसी उम्मीद के साथ ब्रिटेन ने मार्च 1942 में एक और मिशन भारत भेजा। मार्च 1942 को एक और मिशन भेजा, जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्रिप्स मिशन जिसकी अध्यक्षता में आया था, उस व्यक्ति का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था ये क्रिप्स मिशन। और जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत आया, ये क्यों आया था भारत, ये इसलिए आया था ताकि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करवाया जा सके। क्योंकि आधिकारिक रूप से मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या कर लिया था, भारतीय लोगों का, यानी भारतीय लोग जो प्रयास कर रहे थे, संविधान सभा की मांग जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। संविधान की पहली बार मांग कब स्वीकार की गई थी, 1940 को, कौन से प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में। और 1942 में एक मिशन भेजा ताकि भारत की संविधान सभा का निर्माण हो सके। और भेजने का कारण क्या था, मैंने बताया था, यहाँ भारतीय लोगों के हित में, अगर आपको लगता है कि भारतीय लोगों के हित में अंग्रेजों ने सोचा होगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ अंग्रेज जो है, यहाँ ब्रिटेन जो है, अपना ही हित सोच रहा था। ब्रिटेन को लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसके सहयोग की आवश्यकता है, हमें भारत के सहयोग की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता क्यों है, इसका एक रीजन था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत के सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या में जो है अपने युद्ध में प्रयोग किया था, भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किया था। और ब्रिटेन को लगता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, भारत की जनता को शांत करना होगा, भारत में जो अभी परिस्थितियां हैं उनको संभालना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। लेकिन जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत आया, एक बार फिर से यहाँ क्रिप्स मिशन को सामना करना पड़ा विरोध का। कौन से विरोध का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपस में टकराव का। और कहीं ना कहीं ये जो है क्रिप्स मिशन भी भारत से क्या हो गया, भारत से इसका बहिष्कार कर दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से। यानी एक बार फिर से क्रिप्स मिशन जो है वो भारतीय लोगों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सामंजस्य बिठाने में क्या हो गया, असफल हो गया दोस्तों। इसके बाद 1945 में एक और मिशन भारत भेजा, इसको हम लॉर्ड वेवेल के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड वेवेल योजना के नाम से भी। यानी 1945 में लॉर्ड वेवेल जो थे उस समय गवर्नर थे, 1945 लॉर्ड वेवेल, इसे लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव कहा जाता है या वेवेल प्रस्ताव भी
कहा जाता है, लॉर्ड वेवेल, इसे वेवेल प्रस्ताव भी कहा जाता है, वेवेल योजना भी कहा जाता है। आप इसको वेवेल प्रस्ताव कह लीजिए या वेवेल योजना कह लीजिए, वेवेल प्रस्ताव या वेवेल योजना कहेंगे तो बेहतर है। बहुत सारी किताबों में आपको इसका नाम वेवेल योजना से मिलेगा। 1945 में भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। वेवेल ने भी क्या करा, इन दोनों समुदायों के बीच, कौन से समुदायों के बीच, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझाइश बुझाइश करने की कोशिश करी, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझाइश बुझाइश करने की या सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी। लेकिन ये जो समय था ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए बहुत बेहतर समय था। 1945 का समय बहुत ही बेहतर समय था। बेहतर समय इसलिए था क्योंकि 1945 में होता क्या है, 1945 में भारत ब्रिटेन में 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन होता है, ब्रिटेन में सरकार बदलती है। सरकार कैसे बदलती है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनता है एक व्यक्ति, ब्रिटेन का पीएम एक व्यक्ति बनता है, इसका नाम था क्लीमेट एटली नाम का व्यक्ति है, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। और क्लीमेट एटली का संबंध जो था एक पार्टी से था जिस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था, लेबर पार्टी। और ध्यान रखिएगा इस लेबर पार्टी की अगर हम बात करूं तो लेबर पार्टी में जब चुनाव हो रहा था ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन में चुनाव हो रहा था तो लेबर पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणाओं में, जैसे कि होता है आपको पता है चुनाव से पहले सरकार किसी ना किसी तरीके के अपने जो लक्ष्य होते हैं उनकी घोषणा करती है, हम इस बार ये करेंगे, हम इस बार वो करेंगे। तब उस समय अगर भारत की बात करूं तो दुनिया, पूरी दुनिया की नज़र में भारत जो है, भारत में क्या हो रहा है, कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही थी। और ब्रिटेन ने क्या करा, क्लीमेट एटली ने क्या करा, अपने चुनावी घोषणाओं में घोषणा करी कि यदि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं भारत को क्या कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा, भारत को क्या कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। यूँ कह दीजिए कि यदि ब्रिटेन में क्लीमेट एटली की सरकार बनती है तो भारत में सभी चीज़ों का क्या करा दिया जाएगा, सामंजस्य बनवा दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। ऐसी चुनावी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, क्लीमेट एटली द्वारा की गई थी। और ऐसा ही हुआ, 1945 में सरकार भी किसकी बनती है, सरकार भी लेबर पार्टी की बनती है, यानी क्लीमेट एटली क्या बनते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी 1945 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनता है जिसने पहले ही अपने चुनावों में घोषणा करी हुई थी कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ, मेरी पार्टी अगर सत्ता में आती है, मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं भारत को क्या कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों एक चीज़, बहुत बार आपको कहा जाता है यानी बहुत सारी किताबों में आपको आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये मिलेगा कि ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये गलत आंकड़ा आपको पढ़ाया जाता है, ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार 1945 में नहीं बनी थी। थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूँ लेबर पार्टी के बारे में। याद रखिए हुआ यूँ था कि ब्रिटेन में, हाँ जी, तो ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की जो सरकार बनी थी, सबसे पहले लेबर पार्टी की बात करता हूँ, लेबर पार्टी का जो गठन है वो हुआ था 1920 में। लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, 1920 में। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कहा जाता है बहुत बार, आपको ये कहा जाता है कि भाई 1945 में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेबर पार्टी की सरकार पहली बार नहीं बनी थी ब्रिटेन में, इसको समझिएगा। लेबर पार्टी का गठन 1920 में हुआ था, जैसे कि लेबर नाम से स्पष्ट है, लेबर का मतलब क्या होता है, मजदूर, यानी कहने का मतलब लेबर पार्टी एक परिणाम था, लेबर पार्टी जो है एक निष्कर्ष था किसका, उस समय विश्व के कुछ मजदूर संगठन जो थे, गरीब जो तबका था, यूं कह दूं लेबर जो थी, उनके संघर्षों का और उनके संघर्ष से 1920 में ब्रिटेन में एक पार्टी का गठन होता है, इसे लेबर पार्टी कहा जाता है। लेबर पार्टी जो है 1924 में भी लेबर पार्टी ने सरकार बनाई थी, 1924 में एक प्रधानमंत्री बने थे लेबर पार्टी में जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। अगर 1924 में लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बन गई थी तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि पहली बार 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी होगी, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी 1940 के आसपास की मैं अगर बात करूं तो 1940 के आसपास जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल।
विस्टन चर्चिल। याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय विस्टन चर्चिल जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1940 में? विस्टन चर्चिल। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय लेबर पार्टी के जो एक सदस्य हैं, जिनका मैंने अभी 1945 में जिक्र किया है, मैंने कौन से व्यक्ति का जिक्र किया है, क्लीमेट में विस्टन चर्चिल के साथ क्लीमेट एटली जो हैं वो क्या हुआ करते थे, उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी 1940 में भी क्लीमेट एटली क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। यानी एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। लेबर पार्टी तो पहले से सरकार में है। 1940 में रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। 1940 में जो विस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे, उनके ही मंत्रिमंडल में जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली का संबंध कौन सी पार्टी से था, लेबर पार्टी से। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि लेबर पार्टी की सरकार पहली बार कब बनी थी, 1945 में। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि जब यहाँ रैमजी मैकडोनाल्ड की सरकार थी, रैमजी मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी की थी, लेकिन ये गठबंधन सरकार थी। कौन सी सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और यहाँ भी आप कह सकते हैं, यहाँ भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आप ये कह सकते हैं कि पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी थी इटली की, पूर्ण बहुमत की सरकार ब्रिटेन में, पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी थी, 1945 में बनी थी। ये कहना बिल्कुल सही होगा, ब्रिटेन में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार कब बनी थी लेबर पार्टी की, 1945 में। ये बिल्कुल सही है, आपको ऐसा याद बिल्कुल नहीं रखना कि लेबर पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी। लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में पहली बार नहीं बनी थी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे वो कौन सी पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। 1924 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1940 की मैं बात कर रहा हूँ, जब विस्टन चर्चिल, जिनका नाम बहुत चर्चित भी नाम है, आपने सुना भी होगा, विस्टन चर्चिल जो है 1940 में जो प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली। ये भी क्लीमेट एटली जो कौन सी पार्टी थे, ये वही क्लीमेट एटली हैं जिन जो यहाँ पे क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। यानी कहने का मतलब, लेबर पार्टी सत्ता में तो पहले भी थी, लेकिन ये जो सत्ता थी वो कहीं ना कहीं गठबंधन की सत्ता थी। पूर्ण बहुमत की सत्ता की बात करूं तो पूर्ण बहुमत की सत्ता का भाई 1945 में। 1945 की अगर बात करूं, 1945 में जैसे ही लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। 1946 में क्लीमेट एटली के प्रधानमंत्री बनते ही एक मिशन भारत आता है। कब आता है, 1946 में। 1946 में प्रधानमंत्री बनते ही, 1946 में जैसे ही क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, 1946 में एक मिशन भारत आता है, जिस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। 1946 की मैं बात कर रहा हूँ, 1946 में एक मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन। इसको कैबिनेट मिशन दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कुछ व्यक्ति थे जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, वो ब्रिटेन के मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट दर्जे के मंत्री थे, इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। 1946 में एक मिशन भारत आया, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे। पहला सदस्य जो था उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था, तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन ने भारत में आते ही घोषणा की कि भारत में चुनाव जो है कुछ इस तरीके से करवाए जाएंगे, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का आवंटन कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389। 389 क्या थी, भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या। भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन ने कहा भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389 होंगे। 389 कहाँ कहाँ से होंगे, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 292 सदस्य कहाँ से होंगे, प्रांतों से। 292 सदस्य कहाँ से होंगे, प्रांतों से। 93 सदस्य कहाँ से होंगे, देशी रियासतों से। 93 सदस्य कहाँ से होंगे, देशी रियासतों से। और
चार सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे? चार सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब है दोस्तों, एक बात समझिएगा आप, कि जो 292 और 296 इन दोनों की अगर मैं बात करूं, मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये दोनों के दोनों क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजी क्षेत्र थे। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे वहां से कितने सदस्य थे, तो 296। ये 292 जो सदस्य थे अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजी जब यहाँ पे शासन चल रहा था उस समय इस तरीके से था, भारत में 11 अलग अलग गवर्नर थे, 11 गवर्नरों को अलग अलग क्या सौंपा हुआ था, हिस्सा सौंपा हुआ था, और उन 11 गवर्नरों के अधीन 11 गवर्नर के जो क्षेत्र थे, 11 गवर्नरों के प्रांतीय गवर्नरों के अधीन कितने प्रांत आते थे भाई? 292 प्रांत आते थे। लेकिन चार क्षेत्र ऐसे भी थे जो प्रांतीय गवर्नर के अधीन नहीं आते थे, वो सीधे सीधे अंग्रेजी केंद्र सरकार के अधीन आते थे, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें जो चार क्षेत्र थे उसमें मुख्य क्षेत्र ये थे, ये भी आपको याद रखना है। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, तीसरा था कुर्ग जो अभी कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, याद रखिएगा कर्नाटक में, और चौथा जो है वो आपका था भी ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। यानी कहने का मतलब ये, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ज्यादातर किताबों में आपको ये कहा जाता है कि संविधान सभा में जो चुनाव हुए वो 11 प्रांतीय कमिश्नरी क्षेत्रों से, 11 प्रांतीय कमिश्नरी क्षेत्रों से व चार अन्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। टोटल कितने सदस्य है? 296। कंफ्यूज नहीं होना, ये 292 और चार, एक 296 कहां के क्षेत्र है? ये अंग्रेजी क्षेत्र ही है, आप इन चीजों को याद रखिए, अंग्रेजी क्षेत्र ही है। अब ये 11 गवर्नर थे, 11 गवर्नर राज्यों के गवर्नर होते थे, और राज्यों के गवर्नरों को कितने प्रांत थे इनके अधीन? 292 छोटे छोटे प्रांत थे, और चार ऐसे क्षेत्र थे जो सीधे तौर पे किसके अधीन थे भाई? सीधे तौर पे अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। या मैं यूं कह दूं कि अभी अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए कहूं, तो जैसे मैं बात कर दूं कि ये तो अंग्रेजों के राज्य थे, ये तो अंग्रेजों के छोटे छोटे, यानी राज्यों का गवर्नर था, प्रांत थे ये, और छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे टुकड़े थे, राज्य के छोटे छोटे टुकड़े। राज्य कितने? ठीक है, राज्य के अध्यक्ष कितने? 11, और उनको कितने टुकड़ों में बांट दिया? 292। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और ये जो है ना, ये समझ लीजिए कि वर्तमान में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह क्षेत्र हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब टोटल सदस्य कितने होंगे? 389 होंगे। 389 में से 292 और 4, 296 कहां से होंगे? अंग्रेजी क्षेत्रों से। और 93 सदस्य कहां से होंगे? 93 सदस्य होंगे रियासतों से। रियासतों यानी यहां पे शासक जो है शासन कर रहे थे, या मैं कह दूं राजा जो भारतीय शासन कर रहे थे वहां से होंगे। क्लियर है? अब एक बात और समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों, कई बार हम लोग इसमें गलती भी करते हैं। होता यह है कि आपको जब बताया जाता है, आपको कहा जाता है भाई टोटल संविधान सभा की सदस्य संख्या कितने नियत की गई? टोटल संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 नियत की गई। 389 में से 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब हुआ क्या, जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए। एक बार मिटा दे रहा हूं, ये स्नैपशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जुलाई 1946 को जब चुनाव हुए तो परिणाम निम्न रहा। कौन से परिणाम रहे समझ लेते हैं, परिणाम कौन सा रहा समझते हैं। 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य छोटे छोटे दलों को 15 सीटें मिली। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 296 सदस्य ही हुए। कितने सदस्य हुए? 296 सदस्य। संख्या कितनी नियुक्त की गई थी? 389। लेकिन संविधान सभा कितने सदस्यों की बनी? 296 की। अब बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को या आप लोगों को दोस्तों ये पता नहीं होगा कि चुनाव जब हुए तो, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा
अगर मैं आपसे पूछ लूँ, फटाफट आपको मुझे जवाब देना है, उतनी देर मैं इंतजार करूँगा आपका, आगे और मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इस जवाब का इंतजार करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 296 सदस्य थे, निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? इन तीनों में से एक नंबर क्षेत्र, ये दो नंबर क्षेत्र, ये तीन नंबर क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों के सदस्य शुरुआत में इन 296 सदस्यों में शामिल नहीं थे? दोस्तों ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है, अभी क्लियर है? अब याद रखिएगा दोस्तों, एक आंकड़ा, इन 296 सदस्यों में से एक बार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई, ये जवाब दीजिए। मैं आपको उत्तर अभी दे दूंगा, आपके इंतजार का, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बताना आपको ये है कि इन तीनों क्षेत्रों में से, तीन क्षेत्र हमने चुनाव के लिए चुने हैं, 292 प्रांत, 93 रियासतें, 4 कमिश्नरी क्षेत्र, जब चुनाव करवाए गए सदस्य संख्या कितनी हुई, 296। तो 296 सदस्यों में से, 296 सदस्यों की अगर बात करें तो इन तीनों क्षेत्रों में से कौन से सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तब तक आगे की चीज बताता हूं, आपका जवाब भी मैं देखूंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हुआ यूं था दोस्तों कि यहां क्या हुआ, संविधान सभा की सदस्य संख्या 296 नियुक्त की गई। एक बार के लिए संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 324 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 324 हो गई थी। और बाद में ये संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई, 299। 324 की बात करूं तो ये 324 कब हुई थी, 1947 के आसपास, और 299 कब हुई भाई, 1948 के आसपास। अब ये भी हम बात करेंगे, 1948 के पास 299 कैसी हुई, 1947 के पास 324 कैसी हुई। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ जो 296 सदस्य थे, यहाँ जो 296 सदस्य थे दोस्तों, इन 296 सदस्यों में इन 93 रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। 93 रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। अब समझिए, 292 ये और 4 ये, यानी कितने हुए, 296, यानी टोटल सदस्य 296 कहाँ से शामिल हुए थे, अंग्रेजी प्रांतों से, वे अंग्रेजी कमिश्नरी क्षेत्रों से ही शामिल हुए थे। 93 रियासतों के सदस्यों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं 324 की। अगर 324 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे 1946 के बाद चुनाव कब हुए हैं, 1946 में, 1946 के बाद धीरे धीरे जो देशी रियासतें हैं उन्होंने क्या करना शुरू करा, अपने आप को यहाँ जोड़ना शुरू करा, या यूँ कह दूँ कि देशी रियासतों के सदस्य वो जुड़ने लगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि 292 और ये 4, इन 296 सदस्यों का तो चुनाव होना था, लेकिन 93 रियासतों का चुनाव नहीं होना था। वहाँ के शासकों को अधिकार दिया गया था कि आप किसी भी सदस्य को यहाँ क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, किसी भी सदस्य को यहाँ क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। और मनोनीत करने में शासकों ने समय लगाया, और परिणाम रहा कि धीरे धीरे देशी रियासतें क्या होती रहीं, भारतीय संविधान सभा में शामिल होती रहीं। और एक समय ऐसा आया जब 1947 में सदस्य संख्या कितनी हो गई, 324 हो गई। और 324 किस प्रकार से थी भाई, 235 तो यहाँ पे कहाँ के सदस्य थे, 235 तो यहाँ पे सदस्य थे प्रांतों के, और 89 जो थे वो किसके थे, रियासतों के। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रांत की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ। 324 जब सदस्य थे तो कितनी रियासतें शामिल हो गई थी 1947 तक, 235 और प्रांत कितने शामिल हो गए थे, 235, रियासतें कितनी शामिल हो गई थी, 89। लेकिन 1947 में आपको पता है दोस्तों कि 1947 में हमसे एक दूसरे देश ने अलग एक भाग बनाया, अलग हुआ हमसे एक दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ रियासतें जो 89 में रियासतें जो थी कुछ, वो कहाँ चली गई, वो अलग चली गई, पाकिस्तान में चली गई। यानी जब कुछ रियासतें यहाँ से पाकिस्तान में चली गई, कुछ प्रांत भी यहाँ से पाकिस्तान में चले गए, तो 1948 में, 1948 तक यहाँ जो संख्या है वो कितनी रह गई, वो संख्या रह गई 229 तो रह गई प्रांतों की, 229 कहाँ की रह गई, प्रांतों की, और 70 कहाँ की रह गई भाई, 70 रह गई रियासतों की। यानी बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही, 299। अब 299 जो सदस्य संख्या है वो कब हुई, 1948 में। चलिए अब एक बात तो समझिए, एक बात ये समझिए भैया कि अगर हमने बात करी 332 की, सर 332 तो 1947 में हो गए क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई, कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए। लेकिन 299 क्यों हुई, इसके पीछे कारण था, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 1948, याद रखिएगा 31 अक्टूबर, याद रखिएगा दोस्तों 31 अक्टूबर 1948 से लेकर 31 दिसंबर 1948 तक संविधान सभा का क्या करा गया था, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1948 से लेकर
31 अक्टूबर 1948 से लेकर 31 दिसंबर 1948 तक संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। और जब ये इस समय में पुनर्गठन किया गया तो इसका परिणाम ये रहा कि भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही, 299 रही। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा आपको कि जब 1928 में औपनिवेशिक स्वराज की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया तो 1929 को कांग्रेसी लोगों ने क्या करा, 1929 को कांग्रेसी लोगों ने स्वतः ही नेहरू रिपोर्ट को लागू मान लिया, घोषणा करी कि आज के बाद हम अंग्रेजों से केवल पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। जब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीय लोगों ने अपनी एकदम उग्र प्रतिक्रिया देना शुरू करी तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कुछ आंदोलन हुए, जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया था, उसी समय 1928-29 की बात है, डांडी यात्रा हुई थी। उसके बाद 1942 में महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं, एक 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी। तो इन आंदोलनों के बाद अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय लोगों की कुछ बातें माननी पड़ेंगी। और दूसरा ये भी था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को लगता था कि हमें भारतीय लोगों का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। तो भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, 8 अगस्त 1940 को पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। और 8 अगस्त 1940 को पहली बार आधिकारिक मांग स्वीकार करने के बाद अंग्रेजों ने एक और मिशन भेजा, जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। किसकी अध्यक्षता में भारत आया था, स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समन्वय नहीं बैठने के कारण क्रिप्स मिशन को वापस भारत से लौटना पड़ा। इसके बाद 1945 में लॉर्ड वेवेल जो भारत के गवर्नर थे, उन्होंने वेवेल योजना के माध्यम से दोनों समुदायों के बीच, कांग्रेस के बीच वह मुस्लिम लीग के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों परिणाम नहीं आया। लेकिन 1945 में ही ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी। कौन सी सरकार बनी, वो सरकार बनी जिस लेबर पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणाओं में ये घोषणा करी थी कि यदि यहां हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। दोस्तों पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ ब्रिटेन में लेबर पार्टी की 1945 में सरकार बनती है। मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि आपको बहुत बार कहा जाता है कि पहली बार ब्रिटेन में सरकार बनी थी, पहली बार नहीं बनी थी, 1924 में ही लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1940 के, तो विंस्टन चर्चिल के साथ जो उप प्रधानमंत्री थे वो खुद क्लीमेट एटली थे, वही एटली जिन्होंने 1945 में मिशन भेजा था। यानी इससे पहले भी, 1945 से पहले भी सरकार लेबर पार्टी की बन चुकी थी, लेकिन दोनों बार बनी हुई सरकार कौन सी सरकार थी, गठबंधन सरकार थी। पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार कब बनी, 1945 में। और 1946 में कौन सा मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने आते ही घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा कितने सदस्यों की होगी, 389 सदस्यों की होगी। 389 सदस्यों में 292 सदस्य प्रांतों से होंगे, 93 सदस्य कहां से होंगे, रियासतों से होंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। 292 और ये 4 जो क्षेत्र हैं अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र हैं, यानी टोटल 296 सदस्यों से क्या करवाना होगा, चुनाव करवाना होगा। लेकिन 93 रियासतें जो शासकों के अधीन है उनको चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने सदस्य क्या करने हैं, मनोनीत करने हैं। 292 जो प्रांत थे वो कितने गवर्नरों के अधीन थे, 11 गवर्नरों के अधीन थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन थे। जुलाई 1946 में क्या करवाया गया, चुनाव संपन्न करवाया गया। चुनाव परिणाम निम्न रहा, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 अन्य छोटे छोटे दलों को यहाँ पे सीटें मिली। टोटल परिणाम क्या आया, टोटल संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई, 296। याद रखिएगा दोस्तों, 296 सदस्यों में जो सदस्य थे वो रियासतों के सदस्य शामिल नहीं हुए, इसलिए सदस्य संख्या कितनी रही, 296 ही रही। लेकिन बाद में धीरे धीरे रियासतों के सदस्य जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या हुआ, एक बार 1947 में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई, 324 हो गई थी। 324 के बाद क्या हुआ, 324 के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ से मैंने ये कहा दोस्तों कि 324 जो सदस्य थे इनमें 235 सदस्य तो प्रांतों से थे, और रियासतों से कितने सदस्य थे भाई, 89 सदस्य रियासतों से थे। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो यहाँ से कुछ रियासतें, सॉरी कुछ प्रांत, कितने प्रांत देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे 235 हैं, यहाँ पे 229 हैं। यानी यहाँ से कितने प्रांत चले गए, यहाँ से 6 प्रांत चले गए। यहाँ पे कितने हैं, 89 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 70 है। यानी यहाँ से कितने कितने रियासतें चली गई, 19 रियासतें चली गई। यानी यहाँ से 6 प्रांत और 19 रियासतें कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। तो बाकी जो टोटल रियासतें थी वो यहाँ कितनी बची, 229 रियासतें भारत में बची, और 229 प्रांत भारत में बचे और 70 रियासतें भारत में बची। टोटल सदस्य संख्या कितनी हुई, 200
निन्यानवे इन 299 सदस्य संख्या को नियत किया गया, तय किया गया कब, 31 अक्टूबर 1948 से लेकर 31 दिसंबर 1948 संविधान सभा के पुनर्गठन के माध्यम से। यहां तक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने संविधान सभा का निर्माण किया था, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात हो रही है रियासतों की। किसकी बात हो रही है भैया? रियासतों की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा, देखिए यहाँ 89 रियासतें थी 324 में, यहाँ कितने रियासतें थी 70, यानी 19 रियासतें कहाँ चली गई भैया? 19 रियासतें शायद पाकिस्तान चली गई होंगी, शायद पाक चली गई होंगी, यही तो है। लेकिन सबसे जो विवादित रियासतें थी, ऐसी रियासतें जो ना तो पाकिस्तान में गई और ना ही भारत में गई, ना तो पाकिस्तान में गई और ना ही भारत में रही, क्लियर है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको याद रह जाए। तीन ऐसी रियासतें थी, मैंने कहा इन 19 रियासतों में जो यहाँ पे 89 रियासतें थी वो यहाँ पे कितनी रह गई, केवल 70 रह गई, यानी 19 रियासतें कहाँ चली गई होंगी, पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई, कुछ रियासतें कहाँ रह गई, भारत में रह गई, लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत में गई और ना ही पाकिस्तान में रही, उन्होंने अपने आप को क्या रख लिया, स्वतंत्र रख लिया। कौन सी तीन रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखा, देखते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ आपको क्लियर हो जाए टॉपिक, दोबारा से बता देता हूँ आपको। हुआ क्या, तीन रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को अलग रखा, ना तो भारत में शामिल किया खुद को, ना ही पाकिस्तान में शामिल किया। सबसे पहला जो नाम आता है, जैसे कि आप उस नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं, उस रियासत का नाम था जम्मू कश्मीर। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर। दूसरा जो नाम आता है दोस्तों वो आता है हैदराबाद का। किसका नाम आता है? हैदराबाद का। ये हैदराबाद भी ऐसी रियासत थी जिसने अपने आप को क्या रखा था, अलग रखा था। तीसरा जो जिक्र आता है वो आता है जूनागढ़ का। तीसरा जो नाम आता है जूनागढ़ का। ये रियासत भी ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को क्या रखा था, अलग रखा था। अब सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की। इसका क्या विवाद था और विवाद कैसे, एक बात समझिए, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बनके एक व्यक्ति, भारत का गवर्नर जनरल बनके एक व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। 1948 में एक व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल बनके आया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा दोस्तों, माउंटबेटन ने क्या करा, माउंटबेटन चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, इसमें किसी तरीके का कोई भी व्यवधान नहीं हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए माउंटबेटन को पता था कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आने वाली है वो किसमें आने वाली है, रियासतों में आने वाली है। रियासतों में क्यों आने वाली है भैया? रियासतों में इसलिए आने वाली है क्योंकि हमने प्रांतों से क्या करवा लिए, चुनाव करवा लिए, रियासतों से हमने चुनाव नहीं करवाए। अब रियासतों से चुनाव नहीं करवाए, दूसरी बात ये भी है कि कुछ रियासतें ऐसी हैं जो ना तो भारत में शामिल होना चाहती ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहती, इसीलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या करा, एक विभाग गठित किया था जिसे रियासत विभाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियासत विभाग। शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा हो लेकिन यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रियासत विभाग भी कहा जाता है। और रियासत विभाग का गठन किया गया था 27 जून 1947 को। 27 जून 1947 को दोस्तों एक विभाग गठित किया गया था जिस विभाग का नाम था रियासत विभाग। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि विभाजन के समय किसी तरीके की कोई भी समस्या आए रियासतों के संबंध में, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 जून 1947 को एक विभाग गठित किया जिस विभाग का नाम था रियासत विभाग। और इस रियासत विभाग की सारी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? गृह मंत्रालय को। किसको सौंप दी? गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय में उस समय गृह मंत्री कौन होते थे भाई? उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, भारत के जो गृह मंत्री थे उस समय वो कौन थे? भारत के गृह मंत्री वो कौन थे? फटाफट मुझे बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। मैंने कहा 27 जून 1947 को रियासती विभाग गठन किया गया, रियासती विभाग का जो सारा जिम्मा है किसको सौंप दिया? गृह मंत्री को। और गृह मंत्री उस समय कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय क्या थे? गृह मंत्री थे। और सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। सरदार पटेल के जो सचिव थे उनका नाम था, सहयोगी थे जिनका नाम था वीपी मेनन। वीपी
मेनन मेनन का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में रियासतों का एकीकरण करवाने में। यानी मैंने कहा 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक रियासतों से संबंध में एक विभाग गठित किया, जिस विभाग का नाम था रियासत विभाग। 27 जून 1947 को ये विभाग जो है किसको सौंप दिया, गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय मंत्री कौन थे, सरदार पटेल, और सरदार पटेल के सहयोगी कौन थे, सचिव कौन थे, वीपी मेनन। चलिए दोस्तों आगे बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सारा स्टडी मटेरियल चाहिए नोट्स के रूप में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, और इसका चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहेगा जैसे कल की क्लास में आपका सहयोग रहा था। इसी के साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।